परमिशन हमें प्रशासन ने नहीं दी गई, उसकी वजह से हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर सत्याग्रह में बैठे हैं आज से, और एक हफ्ते का हमने प्रोग्राम किया है और इंशाल्लाह वो एक हफ्ते तक ही हमें रहना है। हमें इससे हिलना नहीं है, चाहे प्रशासन जोर दे या कोई भी आके आगे से भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमें सबको मिलके, क्योंकि हम मेरा अकेले का काम नहीं है, सबका काम है, पूरी इन्हें कौम का काम है। और जो ये काम हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्या उनके जिस तरीके से मुसलमानों को हर तरीके से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मुसलमान, हम तो सब चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर काम करें और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और हम प्रशासन को भी उम्मीद दिलाते हैं कि आप इसमें ज्यादा वो नहीं करें और जैसा काम चल रहा है अभी चलना दें उनको। कभी अभी आज हमारा पहला दिन तो हुआ है और वो जोर दे रही है कि नहीं आप आज ही खत्म कर दो और वो कर दो, इस तरीके से नहीं होता है। और हम इसको लेकर चल रहे हैं, जो CANN और वो NRC ये जो है इसके बारे में जो उठाई आवाज और जो हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक मुसलमान ज्यादा इन्हें वो परेशान हो रहे हैं। तो मुसलमान तो अपनों को ये नहीं चाहिए कि इस तरीके से इस काम को हमें अंजाम देना है, और इसको यहाँ के मुसलमान क्या पूरे हिंदुस्तान में ये इसको बिल्कुल खत्म ही करना है, क्योंकि ये लागू करने ही नहीं है। 7 दिन बाद फिर आगे क्या रणनीति रहेगी इसकी? आगे वो ज्ञापन देंगे, फिर वो 21 तारीख का हम बैठे हैं और 27 को हम इन्हें शुक्रवार के दिन जो भी टाइम वो मुकर्र कर रहे हैं, चाहे 2 या 3, क्योंकि जुमे के बाद देंगे हम तो काजी हाउस में देंगे, हम बाहर भी नहीं देंगे कि वहाँ जाके देना या जुलूस के हिसाब से जाना नहीं, बल्कि हम ये सब जो भी इकट्ठे हो जाएंगे जितने भी हो जाएंगे, हमने किसी को ज्यादा भीड़ भी नहीं है इकट्ठी करी है, तो इसलिए यही काजी हाउस में आकर उनको ज्ञापन भी देते हैं और उस पर अमल भी किया जाएगा। संपत्ति को मत लगाओ।